मोहतरम जनाब पीर साहब पगारा साईं साईं सदरुद्दीन शाह राशदी साहब हुनन समझो थे तसंद खामोश रहंदी हुनन समझो थे तसंद के पंद्रहन सालन का ये डिजारे निपूड़े कुचले दबाए पेर नेठा चिथियो वियो आहे जो सिंध सा जेको भी हशर कयूं सिंध माठ रहंदी हुनन समझो त जिते सिंध जा लखे आफिसर विकामी विया आहिनि जिते केतरा ही कलमकार डिजी विया आहिनि जिते केतरा ही साबका सियासी अगवान माठ जो शिकार आहिनि जिते जज डिनल आहिनि जिते फोर्सेस जा मानू पुलिस ऑफिसर डिनल आहिनि उते सिंध जो आम मानू भी डिजी वेंदो पर अज तवां हिन लखन जे तादाद में हिते गद थी इहो ऐलान कयो आहे त सिंध तयार आहे सिंध मैदान में आहे सिंध वेहण लाइ सिंध कफन सिर सां बधी निकिरी आई आहे सवेल मूंखां कंहिं चैनल जे दोस्त पुछो त तव्हांजी जदोजहद इलेक्शन लाइ इलेक्शन हिकिड़ो नंढिड़ो हिसो आहे इलेक्शन जो वोट रुगो कुर्सीअ ते माण्हू तब्दील न कंदो आहे इलेक्शन जो वोट इख़्तियार ॾींदो आहे कुझु माण्हुनि खे तव्हांजे क़िस्मतुनि जा फ़ैसिला करण जो तव्हांजो इल्मु खसिजी वियो आहे तव्हांजा स्कूल तबाह आहिनि तव्हांजा कॉलेज तबाह आहिनि तव्हां जूं नौकरियूं विकामनि थियूं तव्हां खां हिननि उमीद खसे वरिती आहे पीपुल्स पार्टी पंद्रहनि सालनि में ॿियो जेको कुझु सो कयो पीपुल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खां उमीद खसे वरिती आहे सिंध जे माण्हुनि खां आस खसे वरिती आहे ॿार पढ़नि था उन्हनि खे ख़बर आहे त पढ़ूं पिया नौकरी विकामी वेंदी पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ रुपया ॾेई नौकरी को ॿियो वठी वेंदो ॿार पढ़नि था उन्हनि खे ख़बर आहे त असीं इम्तिहान ॾींदासीं एम डी केट जो पेपर आउट थी वेंदो जेको 30 लख रुपया ॾींदो सो पेपर आउट करे पास थी वेंदो आबादगार ज़मीन आबाद कनि था हुननि खे ख़बर ई कान्हे त जॾहिं फसल लहंदो तॾहिं कमांद जो अघु कहिड़ो हूंदो कणिक जो बारदानो मिलंदो कोन मिलंदो यूरिया ब्लैक थींदी या असांजे फसलनि लाइ असांखे मिलंदी हुननि सिंध जी उमीद खसे छॾी आहे हुननि सिंध खे ईअं निपूड़ियो आहे जीअं को हमले आवर लश्कर महकूम क़ौम सां अशर करे हुननि समुझो थिए त सिंध जा माण्हू इन सॼे मनसूबे आॾो ॻाट हेठि करे झुकी वेही रहंदा शेख सादी चयो हो फारसी शाइर हो चयो हुई त बाद इज़ वफ़ात तुरबत माउ दर ज़मी मजो मुंहिंजे मरण खां पोइ मुंहिंजी क़बर ज़मीन ते न ॻोल्हजो बाद इज़ वफ़ात तुरबत माउ दर ज़मी मजो दर सीना आहे आरिफ़े मज़ार मास्त मुंहिंजी क़बर आरिफ़नि ऐं आशिक़नि जे सीने में हूंदी 1943 में जंहिं माण्हूअ खे तव्हां शहीद कयो ऐं हुन जी मज़ार खे गुम करण जो मनसूबो जोड़ियो उहो माण्हू पंहिंजे मज़ार मां मणनि जे हेठां उहो सूर बादशाह अॼु सिंध लाल लड़े पियो उहो मैदान ते आहे तव्हां माण्हुनि जे जिस्म खे मारे सघो था तव्हां माण्हुनि जे सोच खे मारे सघो था तव्हीं माण्हुनि जे हौसले खे नथा मारे सघो
ही जेके मानू मुरात हते दिठो पे तवी जेके हजार ने तादाद में नारा हणदे इन रस्तन ते पंध पे आया तवी ऐलान यो न गाल जो त तवी हथियार फिटा कौन कंदो। मैं पाकिस्तान के हुकुमरानों से मुखातिब हूं और उन तमाम लोगों से मुखातिब हूं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। पाकिस्तान में मजलूम और लावारिस लोग जब किसी मुश्किल को देखते हैं, किसी की टांग टूट गई तो काला बकरा ज़बह कर दो, कोई इम्तिहान में फेल हुआ तो काला बकरा ज़बह करो, किसी की शादी नहीं हो रही काला बकरा ज़बह करो, किसी की छत गिर गई काला बकरा ज़बह करो। 25 करोड़ पाकिस्तानी हो, तुमने सिंध को काला बकरा समझ रखा है, तुमने ये समझा है कि पाकिस्तान बनवाना है तो सिंध को ज़बह करो, सिंध से हके हाकमियत छीनो, वन यूनिट मुसल्लत करना है तो सिंध का तख्तगाह कराची छीन लो, सिंध चीफ कोर्ट में सिंध के जजेस जस्टिस बचल, जस्टिस वेलाणी, जस्टिस मोहम्मद बख्श, जस्टिस आगा अगर मौलवी तमीजुद्दीन का केस बहाल करें तो आप सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर की जरिए जमहूरत को दफन कर दो। पाकिस्तान का आईन हफीज पीरजादा ने बनाया था, पाकिस्तान के कयाम के लिए इन हुरों ने बगावत की थी जिनको मार्शल लॉ के जरिए कुचला गया। पाकिस्तान जब तकलीफ में हुआ सिंध मैदान में उतरा, पाकिस्तान जब तकलीफ में आया सिंध के जजेस ने, सिंध के सियासतदानों ने किरदार अदा किया। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था उस मार्शल लॉ के सामने भी सिंध के जज लड़े थे, जस्टिस राणा भगवान दास, जस्टिस मुख्तार जुनेजो, जस्टिस नासिर असलम जायद, जस्टिस दुर्रा पटेल, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम, सिंध के लोग एमआरडी में लड़े, सिंध के लोगों ने मुकाबला किया। ये मुर्तजा जतोई बैठा है, इनके वालिद ने कयादत की थी, इन्होंने मोरों में ये लोग लड़े थे जब सिंध के शहरों में दोहरा निजाम लाया गया, तब ये पीर सबगतुल्ला शाह पागारा था जिसने हैदराबाद में लाखों लोगों को जमा करके दोहरे निजाम को रद्द किया था। और अब आपने हमारे साथ क्या अशर किया है, आपने सिंध को वो गुमनाम रेलवे स्टेशन बना दी है जिस पे कोई गाड़ी नहीं रुकती, फैसले साजी की सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती फैसला साजी की।